इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर आज छठवें चरण का मतदान लगातार जारी है। साथ ही अगर यूपी की बात करें तो छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। डुमरियागंज बस्ती संत कबीर नगर में मतदान हो रहा है। वही साथ ही आपको बता दें कि लालगंज आजमगढ़ और जौनपुर में भी सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, लगातार मतदान हो रहा है। मछली शहर और भदोही सीट के लिए भी मतदान जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर आज छठवें चरण का मतदान लगातार हो रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर आज मतदान जारी है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर में वोटिंग हो रही है। वहीं इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती में भी मतदान जारी है। साथ ही आपको बता दें कि डुमरियागंज बस्ती संत कबीर नगर में भी मतदान हो रहा है। लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर में वोटिंग जारी है और मछली शहर और भदोही सीट के लिए भी मतदान जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रही है, जहां लगातार आज सुबह 7 बजे से छठे चरण के लिए वोटिंग जारी है और छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इन 14 सीटों में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर में भी वोटिंग हो रही है। इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती में मतदान जारी है। आज लोकसभा चुनाव को लेकर छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। बता दें कि लगातार यूपी की 14 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, यूपी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों के बीच आज छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। बता दें कि यूपी की 14 सीटों पर आज छठे फेज में ये वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। इसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर में वोटिंग जारी है। साथ ही आपको बता दें कि इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती में भी मतदान हो रहा है। छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर आज लगातार वोटिंग हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।